कौन से राय काल आए हैं? अरे यार बता दो, पुरहरगढ़ से बौनिया राय आया है। अच्छा अच्छा, क्या हुआ? कुड़हल लाए पागल। नाम है बौनिया राय, कुल्हल कुड़हरगढ़ में रहता है। कुल्हल लाए है? कुल्हल नहीं तो कुछ सकरी लाए। कुड़हरगढ़ उसे कहते हैं। कुड़हरगढ़ जाओ, ने इज्जत के साथ लेकर आओ। अच्छा भैया, इज्जत लाओ है। और ये आगे हमारे यादव कैटर्स, आओ निष्कापुर छुलिया की तरफ से हमारे रामानंद यादव जी, आप लोगों की शादी विवाह मुंडन शुभ अवसरों पर बहुत बढ़िया मिष्ठान और नमकीन और बफर सिस्टम का भोजन बनाने वाले उनकी तरफ से ये 20 रुपये का स्पेशल पुरस्कार मिला हमें। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। भैया उनसे पूछा किसने दिया है? उनसे कहा इज्जत लाया है तो हमका पकड़ा दी। अबे इज्जत मांगा था सरकार, हमने कहा था उन्हें इज्जत के साथ लेकर आओ। बुरा ना मानो तो एक बात कही। वो क्या क्या कहना चाहता है? चमड़ा गावे चमड़ा बजावे, चमड़ा गावे चमड़ा बजावे है? और चमड़े ताल लगावत है, और जब चमड़म चमड़ा जाए तो बड़ी मजा आती है। हाँ मतलब बहुत मजा आती है। मतलब धोती कुर्ता पैंट भूषण जहाँ जितना बढ़िया पहन लियो, और ये चमड़ा ना हो तो जानो इज्जत नहीं है। मतलब ये चमड़ा है? अरे वो तो मैं देख रहा हूँ, चमड़ा चमड़ा गावत है, और वो चमड़ा वो हुआ है, चमड़ा बजावा, और चमड़ा यू है, चमड़ा यू है। तो इसे पैर में रखो, पहन के रखो ना, इसे हाथ में लेकर चलोगे? देख रहा पागल कहीं का बकवास किया करता हमेशा। भैया पाए गए नहीं यार, जवाब दियो भाई, खले खले मरो आवत। अरे रूपान देखो, मेरा दोस्त और मेरा मित्र आया हुआ है। दोस्त बौनिया राय, दोस्त बहुत लोग के बाद में दोस्त खुश दिल हमारा हुआ। आस्कारा करो हाल अपना कभी, किस लिए कैसे आना तुम्हारा। वन में थे उनके गाजर के थे उनके गांगल के नेगी मिले। मैं सुनाता हूँ तुमको सभी दास्तां, छीन उनकी सुता काहे की गालियां, नाश लिया तुमको कर।
के साथ में बानिया तेरी शादी करा दूंगा मैं, तोड़ करके तिलस्मी अब पिला तेज से हाथ में ही अगर दूल्हा बन करके बैठूं क्या मैं पाल की और तुम्हें मार की करो मित्र चिंता किसी बात की मित्र मलखान आपसे यही उम्मीद थी हमें, आपके ही बलबूते पर हमने ये टीका चढ़वाया है। जबरदस्ती चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मेरे दोस्त। और सुनिए, लेकिन मित्र मलखान कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी मदद करने के लिए कह रहे हैं और कोई ऐसा वक्त आ जाए। आप ही हैं मददगार हमरा मेरे, आप ही मित्र मलखान सुनिए मेरी बात को, इसलिए आपके संग तो साज कर तल पर बल जाऊं महबे को मैं हाल चाहिए करूं राजा परमान से बानिया राय तैयारी अब करके सभी हमको मिल जाना तुम सिर्तुआ मित्र बानिया राय मित्र बलखान मैं भी यहां से जा रहा हूं होवा बड़े भैया आल्हा के पास और चाचा परमाल के पास, उनसे जाकर के बताऊंगा और साथ में बड़े भैया आल्हाद और उधर उदयराज को भी तैयार। लेकिन मलखान मित्र मलखान ये सारी बातें आप कब करेंगे? जिस वक्त उदयराज होगा उस वक्त। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं दोस्त, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, हर तरह से आपकी मदद करूंगा। देखना तेरी शादी हीरा गढ़ से करवा के लाऊंगा। आप ही का भरोसा है मैं। ठीक है दोस्त, चल करके यहाँ से तैयारी करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एहसान मेरे दिल पे, एहसान मेरे सर पे तुम्हारा है दोस्त, ये दिल तुम्हारे प्यार का we
दोस्तों अब तमाशे पे गौर करिए। अब इधर देखिए महोबा नगर है और महोबा के देखिए आल्हा आते आपके सामने, देखिए क्या बातें करते हैं, तमाशे पे गौर करिए। हाँ दोस्तों, ये महोबा है और महोबा की युवराज बड़े दादा आल्हा, आल्हा दादा की जय हो। जय हो। ये बतलाओ तुम लोग आज जाकर देखो उदयराज है कहाँ। बहुत अच्छा, आइए छोटे भ्रात उदयराज आते हैं और आल्हा दादा से क्या बात करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बात क्या है उदयराज, आज हमें यही खुशी है कि मेरे सामने तारी क्यों आइए बैठी। दादाजी हाँ सब कुशल मंगल है, लेकिन आज आने का मकसद यही है। बड़े भैया बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है, क्यों बात क्या है। आइए देखिए फिर आगे वही छाया हुआ नाम रामानंद कैटर्स, रामानंद कैटर्स आप छुलिया उनकी तरफ से 20 रुपए मिले हैं हमारी तरफ से, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। 10 रुपए हमारे गोपाल भाई को और 10 अग्गन को बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो वादा माने दिया पारा बौनिया राय से हमने वादा किया है, इसलिए अपना दल बल साज के मैं उसकी बारात में शामिल होकर जा रहा हूं। कहिए आपकी क्या इच्छा है दादाजी। लेकिन हीरा कोई ऐसा मामूली अब वो नहीं, यही उम्मीद है
तुम्हें नहीं मालूम है? मालूम नहीं है दादाजी, तो फट अपना समझ वो पानी आ रहा नहीं, फट अपना लाज में उसकी करना अब मत चाहिए, क्योंकि एहसान उसका है सर तेरे पास। दादाजी जब मैदान में सात सात 300 जगह लड़ा है, इसलिए हम लोगों को उसकी मदद करना चाहिए। कैसी बातें करते दादाजी, लेकिन लूट भावना की हमने माफ करते हैं। अगर ये बात है तो आज से खुद कर जी यार को फिस्तार है। मतलब पहुंचाते हैं जो यार बन, यार है वो तो नहीं अयार है, यार को देते धोखा जो अयार बन। यार है वो नहीं वो तो अयार है, यार को देते धोखा जो अयार। और सुनिए दादाजी, तो आप बैठे मोहब्बत में जामुन कमाएं, आप बैठे मोहब्बत में जामुन कमाएं, बिन किए प्याह बोना था जौहर दिखा करके पाप पुजवाऊंगा, बिन किए ब्याह बोना था आऊं। आप बैठिए मोहबे में, मैं अकेला जाऊंगा बोनिया राय को ब्याह करके लाऊंगा। बैठिए बड़े भैया, दादाजी
उस तीर्था सिंह की बात करते हैं आप, वो बहुत ही बहादुर है। क्यों उदयराज? अगर जिद करते हो ठीक है, चलो हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। चलो बहुत अच्छा, चलिए धाम से चले। आइए देखिए, ये हमारे चंद्रकिशोर पांडे जी। चंद्रकिशोर पांडे जी, आप सुकलन प्रभाग 11 रुपए भाई हमारे उदयराज के बोल पर और उदयराज के काम पर खुश होकर दिए हैं। और ये हमारे शुक्ला चाचा की तरफ से भाई 11 रुपए हाकिन को मिले हैं। हमारी तरफ से चंद्रकिशोर बाबू को और शुक्ला बाबू को बाप बहुत शुक्रिया, बाप बहुत धन्यवाद। तो आइए इधर आल्हा दादा और उदयराज तथा मलखान सिंह पहुँचते हैं कहाँ, जहाँ पर हमारा बौना राय है। आइए आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेके पहला पहला प्यार, लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुला जादू नगरी पे आया। मेरा दादाजी आशा कर लिए क्या? अब यहां से चल रहे हैं कहाँ? चाचा जी के पास बनारस। हाँ, उनसे बात करेंगे, जरूर बतलाएंगे। चलिए चाचा जी के पास। हेलो, अब ये देखिए दोस्तों, अब इधर ये बनारस है और यहाँ ताला सैयद आते हैं आपके सामने, देखिए क्या बातें करते हैं। अब तो काफी दूर निकला है, करीब आ चुके हैं। वो चाचा की हवेली दिखाई पड़ रही है, चलिए आओ। अस्सलाम वालेकुम। और ठीक है, खैरियत है? आज तुम कहाँ इधर तशरीफ लाए? तो हम कहा करिए, अब इधर चले आन, हम कहा दे चचा भैया हमका बलाए नहीं रहा, ईद में तो समय नहीं पियायो। देखो ईद में तो हम भूल गए, हाँ, लेकिन अब की जब कुर्बानी होगी तुम्हारी तो जरूर बुलाएंगे। की कह? और ये बताओ, आज हमें न मालूम क्या बात है, हाँ, कि महोबे की याद आ रही है। हाँ यह बात सही है। और महोबे में हम कई वर्षों से गए नहीं, जहां पर आल्हा और उदयराज ना मालूम कितने दिनों से हमसे मुलाकात नहीं हुई। हम चाहते हैं कि कोई खबर हमको महोबे की मिले। हाँ यह बात सही है। देखो वालेकुम सलाम। अरे आल्हा उदयराज, आज इतने दिनों के बाद और दोनों भाई कैसे तशरीफ लाए हो? वही तो बतलाने के लिए दादाजी आपके पास आए हैं। आल्हा तुम लोगों के चेहरे पर ये उदासी का कारण? उदासी का कारण आने का मकसद, हाँ, हम जरूर बतलाएंगे। उदयराज आज तुम्हारे भाई के मुख से क्या बात है, क्या निकलना चाहता है और क्या ये भूल रहे हैं? हमने वादा किया है बरखान से जाने के लिए, मलखान हमें आज्ञा दीजिए, यही हम लोग चाहते हैं। उदयराज हम मलखान के साथ जाएं। मलखान कहाँ जाना चाहता है? और उदयराज तुम मलखान से क्या वादा करके आए हो? चाचा जी, बड़े भैया मलखान ने भावना सिंह के शादी में जाने के लिए तैयार हो गए। ओ तो इसमें हिचकिचाने की क्या बात है? हिचकिचाने की बात यही है कि आप
जब तक इजाजत नहीं देंगे तब तक बड़े भैया तैयार नहीं। बौनिया राय की शादी और कहां से? हीरागढ़ से। पागल तो नहीं हो गया है? तिरखा सिंह की बेटी जिसका नाम रामकली है, उसका टीका बौनिया राय ने चढ़वा लिया, वो भी हमारे लोग के पल बदौलत। नादानी का काम करते हुए और तुम लोगों को कुछ नहीं पता है कि क्यों हीरागढ़? अरे हीरागढ़ ऐसा सच हीरागढ़ ऐसा क्या है? क्या ऐसा गढ़ है जहां पर तुम लोग जाकर के कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकते? कैसी बात करते हैं दादाजी? हीरागढ़ की आप बात करते हैं और उस तिरखा सिंह की बात करते हैं कि वो बहुत ही बहादुर है, क्यों? बेटा हम तुमसे कहना यही चाहते हैं कि अभी जाकर के उससे कह दो कि हीरागढ़ के बारे में मत सोचे। वाह आप भी ऐसी बात करते हैं, उसकी तारीफ हो मेरे सामने तो देख लो रणभूमि में है कितना पलंगिया। इस तेग के जौहर